What's up everyone, welcome back to the channel. Guys, this is day 19 of our 100 days commerce pro series. और इस सीरीज के अंदर हम 100 डेज में हमारा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स सबका ही सिलेबस खत्म करने वाले हैं. आज डे 19 हो चुका है. आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और दो ही क्लासेस में, आज और कल ये कंप्लीट हो जाएगा और बहुत शानदार तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे. कुछ लोग बच्चों ने ये मुझे बोला था कि सर चैप्टर नंबर 2 के साथ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर कंपनी के बारे में चीज़ें लिखी हैं, जो कि NCERT में चैप्टर नंबर 7 है. तो बेटा, मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के साथ ही कराऊंगा और जल्दी करा दूंगा, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है. आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज. बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छे से करेंगे और कंप्लीट कर देंगे. चलिए जल्दी से लेट्स बिगन. तो देखो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हैं. देखो, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में. चैप्टर नंबर 1 में आपने बेसिक नॉलेज ली, बिजनेस क्या है, कितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं, प्रोफेशनल कौन होता है, जो जॉब में है वो क्या कहलाता है ना. आपने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में चीज़ें सीखी, बिजनेस में रिस्क के बारे में पढ़ा. फिर चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा कि आप कौन कौन से तरीके के बिजनेस कर सकते हो. इंडिविजुअल बिजनेस चलाओगे तो सोल प्रोप्राइटर हो सकते हो या वन पर्सन कंपनी हो सकते हो. मिलकर करोगे तो पार्टनरशिप कर सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकते हो, या आप कंपनी भी बना सकते हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, है ना. अभी मेन हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम मेनली सेक्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं. बच्चों देखो, हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है. सर, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? देखो, हमारे पास ना 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, ठीक है. सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट होता है जिसके अंदर सोशल वेलफेयर को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, यानी वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग किसी का मोटिव ही नहीं होता. वहाँ पे मोटिव होता है सोसाइटी को आगे बढ़ाना, समाज के लिए अच्छा करना. गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है, तो उसमें सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट लेड होती है, सरकारी होती हैं, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट क्या होता है? जिसके अंदर जो मोटिव होता है वो होता है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स काम करेंगे. अब आप सोचो कि आप जो इंटरनेट घर में बैठ के यूज़ कर रहे हो, मेनली हमारे देश में इसका सबसे बड़ा रीज़न जियो है. अगर हम BSNL पे डिपेंड होते ना बेटा इतने इंटरनेट के लिए, तो ये शायद हम 2050 तक भी नहीं देख पाते इतना इंटरनेट जो हमने आज ही देख लिया. तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की वजह से हुआ है. आप इतने सारे ऐप्स यूज़ करते हो, जोमाटो, स्विगी, फूड डिलीवरी ऐप्स हो गई, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो गए, मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, सब प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स देखते हो आप, HDFC, ICICI, कितनी सर्विसेज देते हैं, मल्टीपल है. तो जो इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तीसरी होती है दोनों का मिक्सचर, जो हमारे देश में है. यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका मिलता है. गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, हमारे जैसे प्राइवेट टीचर्स भी हैं जो अपना बेस्ट दे रहे, है ना. तो बच्चों देखो, एक ऐसा इकोनॉमी जिसके अंदर दोनों मिलजुल के काम करते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज होती हैं, यानी सरकारी, कुछ प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेज होती हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स की, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, जैसे आप कल अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लो. और कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो एक नहीं कई नेशंस में होती हैं, मल्टीनेशनल, है ना. तो इस चैप्टर में हम मेनली यही 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सही है. अब देखो, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं. मैंने आपको बता ही दिया, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में वो सारी एंटरप्राइजेस आ जाएंगी जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेटली चला रहे होंगे, है ना. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने अपना बिजनेस कर लिया, पार्टनरशिप हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कंपनीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हैं या सरकार का कोई रोल नहीं है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में ले लेंगे, ठीक है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? वो होती हैं जो कि सरकार चलाती है, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, सही है, या तो पार्टली या होली. पार्टली का मतलब कुछ पार्ट, होली का मतलब पूरी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की होती है, या फिर मिलजुल के करी होती है, है ना. तो गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोल देते हैं. अब प्राइवेट सेक्टर तो आपने सारी पिछले चैप्टर में पढ़ ली, ये सब के बारे में पढ़ लिया, मल्टीनेशनल कंपनीज रह गया, वो मैं इसमें पढ़ा दूंगा.
पब्लिक सेक्टर में मेनली तीन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखते हैं कितना समझते हैं, कहां तक चलते हैं, क्योंकि पहला पार्ट है, थोड़ा बेसिक रखेंगे, इजी रखेंगे और कल के पार्ट में चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चों आपके, कोई भी चैप्टर दो पार्ट से ज़्यादा नहीं लेगा, लेगा भी तो कोशिश करेंगे कि दो में ही हो जाए, बट तीन, मैक्सिमम तीन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखो जी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सबसे पहला बच्चों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो मेजर रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बट गवर्नमेंट किसके थ्रू काम करता है, लोगों के थ्रू, ऑफिसेज के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, है ना भाई। सरकार भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है ना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम तो लोगों को ही करना है, राइट। उसके साथ साथ ये इनका मेजर जो एम होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एम होता है। इनका जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं मानते हम। आप देखोगे ना, गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस कम होगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम होगी, इनका कभी भी मोटिव पैसा कमाना नहीं रहा, इनका मोटिव रहा है सोसाइटी को आगे बढ़ाना, राइट। अब आप लोग कहोगे कि सर नहीं, इसमें तो बहुत करप्शन होता है, तो देखो वो बैकएंड पे चीज़ें होती हैं, चलता है वो, लेकिन जो जो पर्पज़ है जिसलिए बनाई गई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसकी होती हैं, पब्लिक की होती हैं और अकाउंटेबल टू द पब्लिक होती हैं थ्रू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इन पर डिस्कशन होती हैं, चर्चा होती हैं। अब कोई IIT IIM सही से काम ना करे तो पार्लियामेंट में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो उनके मिनिस्टर हैं, जाके बैठेंगे तो वहाँ पे उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जितने अदर मिनिस्टर्स हैं, देखो आपने ही तो MPs वहाँ पे भेजे हैं ना इलेक्ट करा के, तो MPs आपके इतने वेल एजुकेटेड होने चाहिए कि आपकी बात वहाँ पे रख पाएं। तभी मैं बोलता हूँ कि बहुत ध्यान से वोट किया करो, आप सबको इन फ्यूचर में वोट देना है, तो वोट हमेशा ऐसे इंसान को दो जो आपको लगता है कि पढ़ा लिखा है, जिसको बात समझ में आएगी, जो आपकी बात को समझेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा और आपकी बात ऊपर तक पहुंचा सकता है। बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको वोट देने हैं फ्यूचर में, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सही है, वी नीड एजुकेटेड पीपल इन पॉलिटिक्स, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक फंड्स। देखो इसके अंदर पब्लिक ऑनरशिप होता है, पब्लिक फंड्स लगे होते हैं इसके अंदर, यानी गवर्नमेंट का सारा काम है, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एंटरप्राइज कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, डिपेंड करता है नेचर पे और ऑपरेशंस पे। सर कोई भी फॉर्म मतलब, इसके तीन ही फॉर्म होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है सर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्या, आपने बता तो दिया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्या। देखो बच्चों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली सरकारी विभागों को बोलते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बोलते हैं, जो कौन मैनेज करता है, मिनिस्ट्रीज मैनेज करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला रेलवे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। रेलवे कितना बड़ा बॉडी है, कोई ना कोई तो चला रहा होगा ना, वो पब्लिक एंटरप्राइज है, आपसे पैसा ले रहे हैं, फ्री में तो रेल नहीं चल रही, यानी पैसा तो कमा रहे हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। किसके थ्रू चलेगा, मिनिस्ट्री के थ्रू। कौन हैंडल करेगा, कोई ना कोई मिनिस्टर होगा, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर होंगे, जैसे अश्विनी वैष्णव जी। अभी एक रेलवे का कोई एक्सीडेंट हुआ रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट, आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखी होगी तो फटाफट से अश्विनी वैष्णव जी को भगाया गया कि जाके चेक करो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुआ, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उनकी है, ऐसा कैसे हो गया भाई, ध्यान नहीं रखा गया। तो ये सारे के सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्ट्री के थ्रू, मिनिस्टर्स के थ्रू चलते हैं, इनको चलाते सब IAS ऑफिसर्स हैं, सब सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, सबसे पुराना। कैसे एस्टैब्लिश होता है बच्चों, ये एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट इसके थ्रू फंक्शन करता है, इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू फंक्शन करता है, इनके थ्रू ही एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ये कोई ऑटोनॉमस या इनको कोई अलग से लीगल स्टेटस नहीं दिया गया, कोई सेपरेट लीगल बॉडी नहीं है, सरकार ही है। रेलवे कोई अपने नाम से सामान नहीं खरीदता, गवर्नमेंट के नाम से ही चलता है सब, समझ रहे हो। तो रेलवे का कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी वाला स्टेटस नहीं है, ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट ही है। ठीक है, ये किसके थ्रू काम करते हैं, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी ऑफिसर्स के थ्रू, और इनके एम्प्लॉयज सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज होंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे बच्चों। ठीक है, दीज अंडरटेकिंग्स में भी अंडर द, या ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो सकते हैं, और रूल्स भी सारे उसके ही अकॉर्डिंग चलेंगे। एग्जाम्पल में इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मैनेज करता है,
है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो गया, डेली मिल्क स्कीम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एट्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, समझे। तो इस तरीके से जब सरकार अच्छे से चीज़ें चला रही है, इसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। इसके सर क्या क्या फीचर्स होंगे, आ जाओ एक बार फीचर्स देखते हैं। अगर कोई भी काम गलत होगा, सही से नहीं होगा, तो किसको अकाउंटेबल होंगे, अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री को जवाबदेही देनी होती है कि भैया क्या प्रॉब्लम है, सही से क्यों नहीं चला, है ना। पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है, यानी सरकारी खजाने से आती है, और जितना कमाएंगे वो भी उसी ट्रेजरी में ही जाएगा, सरकारी खजाने में ही जाएगा, ठीक है। जितने भी इनके अकाउंटिंग और ऑडिट रूल्स चलेंगे, अकाउंटिंग का मतलब जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग जो होगी वो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के थ्रू ही होगी, यानी कि जैसे गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होती है वैसे इनकी अकाउंटिंग होगी। एम्प्लॉयज़ इनके गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, और वो सारे के सारे गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट सर्विसेज के अंडर ही आएंगे, यानी सरकार जैसे अपॉइंट करता है वैसे इनका अपॉइंटमेंट भी होगा। इसको हम एक मेजर सब डिवीज़न बोलते हैं बच्चों सरकार का। ये सब इसके फीचर्स हो जाते हैं। फिर इसके मेरिट्स देख लो, क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहला ये है कि जितना भी काम होता है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, पार्लियामेंट में इनके ऊपर डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज मिलके इनके रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ होगी उसको आगे रखा जाएगा, है ना। इसीलिए ये एक अच्छा फॉर्म माना जाता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है, जनता इसके बारे में सब जान सकती है, देख सकती है, सजेशंस दे सकती है। जितना भी रेवेन्यू है वो सब ट्रेजरी में जाता है, तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है, सरकार इससे अदर वेलफेयर की एक्टिविटीज़ भी कर सकती है। उसके साथ साथ जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो इसको काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये सरकार ही है, तो देश की सिक्योरिटी की जब बात आएगी, देश में जब बहुत सारे वॉर्स वगैरह होते हैं तो रेलवेज ही है जो काफ़ी हेल्प करता है इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। तो बहुत सारे इसके ऐसे मेरिट्स हैं। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें बेटा, तो डीमेरिट्स तो आप सब जानते ही हो, क्या क्या सरकारी विभागों में होते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं होते बिल्कुल भी, फ्लेक्सिबल नहीं होते का मतलब बस जो रूल बन गए वो बन गए, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सालों साल वही चल रहे हैं, है ना। जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, अगर उन्हें कुछ भी करना है तो पहले भैया मिनिस्टर जी से पूछो कि मिनिस्टर जी अप्रूव करेंगे तो आप कर पाओगे, आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं डिपार्टमेंट्स। उसके साथ साथ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज नहीं ले पाते, क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ओवर कॉशियस होते हैं और उनका कंजर्वेटिव अप्रोच होता है, रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया मेरी नौकरी पे ना बात आ जाए, मेरे ऊपर बात ना आ जाए, तो इसीलिए ये थोड़े से हल्के रहते हैं। उसके साथ साथ रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है बेटा डिलेज होना, फाइल पे फाइल पड़ी रहती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी काम कराने के लिए जाओ, सपोज तुम्हें एक बिजली का मीटर भी लगवाना है ना, तुम जाओ अपनी फाइल लेके, वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, तुम्हारी बात पे एक्ट नहीं होगा जब तक तुम्हारी बात में दम नहीं है, वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, एक्ट ही नहीं करेंगे, है ना। रेड टेपिज्म, डिले। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है ना, करप्शन बहुत होता है, ये भी आप इसके अंदर लिख के आना कि करप्शन होता है, पैसा दो फटाफट हो जाएगा, पैसा नहीं दोगे नहीं होगा। तो ये सारी की सारी हमारी डीमेरिट्स हैं जो किसके अंदर आ जाएंगी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो आई एम वेरी मच होपफुल बच्चों कि आप लोगों को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इसको बेसिक रखते हैं, आज हम इसको इतना ही रखते हैं ताकि अभी आप एक फॉर्म अच्छे से देख लो। तो आज हमने मेनली सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, आज हमने मेनली कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे विभाग प्राइवेट होते हैं, कैसे विभाग गवर्नमेंट होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करा। आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। कल हम स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। इसी तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और काम अपना ख़त्म करते चले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।